नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। आयशा टाकिया ने अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आयशा हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। आयशा ने पेपरोजी के सामने पोज दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को उनके लुक के लिए ट्रोल किया। लोगों का कहना है कि उन्होंने सर्जरी कराकर अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। वहीं अब एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स के लिए पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मुझे कहना जरूरी लगा कि मैं 2 दिन पहले गोवा गई थी। मेरे परिवार में अचानक ही एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। मेरी बहन अस्पताल में थी। इस सब के बीच मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया और मैंने कुछ सेकंड के लिए पोज भी दिया। फिर पता चला कि मेरी शक्ल सूरत पर सवाल उठाए जाने लगे, जैसे कि देश में इससे ज़रूरी और कोई मुद्दा नहीं बचा। आयशा टाकिया ने आगे लिखा, लोग अपने वाहियात विचार मुझ पर थोप रहे हैं। मुझे कैसा दिखना चाहिए था और कैसा नहीं, प्लीज़ मुझसे उबर जाओ यार, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे फिल्मों में ज़ीरो इंटरेस्ट है, न तो मुझे फिल्मों में वापस आना है और ना ही मुझे इनमें दिलचस्पी है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ। मैं अब कभी लाइमलाइट में नहीं रहना चाहती, ना ही शोहरत में दिलचस्पी है, फिल्मों में नहीं आना चाहती, इसलिए चिल मेरी चिंता करनी छोड़ दो। आयशा टाकिया ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जैसी वो 15 साल पहले दिखती थी, लोग उम्मीद करते हैं कि अब भी वो ऐसी ही दिखें। ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। आयशा ने पोस्ट में और भी काफ़ी कुछ लिखा है। आयशा ने एक मॉडल के रूप में करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चूनन उड़ जाए से नेशनल क्रश बनी। इसके बाद उन्होंने टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 2004 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वह दिल मांगे मोर, डोर, नो स्मोकिंग, वांटेड, चलामे इश्क और पाठशाला जैसी फिल्मों में दिखाई दी हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।